अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका भाई हाजिर है एक न्यू व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में जो है हम एक बार फिर गोट फार्म में आए हुए हैं, तो जो कि बकरी ने जो है आज बच्चे दिए हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। ये हमारे हाफिज कमर भाई जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे हैं जो कि, तो इनसे हम पूछेंगे इस बारे में कि कौन सी बकरी ने जो है बच्चे वगैरह दिए हैं, और फिर आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो चलें अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? तो हाफिज साहब, आप ये बताएंगे कि बकरी हमें दिखा दें जिसने जो है बच्चे दिए हैं, और इसी तरह जो है हमें बताइएगा थोड़ा सा। तो व्यूअर्स, ये जो बकरी आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे आपको अभी दिखाऊंगा, इस बकरी के हैं, ये काफ़ी वीक लग रही है। तो ये कौन सी नस्ल की थी हाफिज साहब? ये गुलाबी नस्ल है जी। अच्छा, ये जो है बकरी, ये गुलाबी नस्ल है, जैसे कि पहले व्लॉग में आपको बताया था, तो उस टाइम जो कि इसने बच्चे नहीं दिए थे, अभी इसने दिए हुए हैं, तो आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, तो इसी तरह अभी जो है हम आपको इसके जो है बच्चे दिखाएंगे। तो आपको शोर की तो आवाज़ आ ही रही होगी इस व्लॉग में, तो चलें आपको दिखाते हैं। अभी जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैं इस के नीचे, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जो है प्यारे हैं। फीमेल और मेल दोनों है। ठीक हो गया। जैसे आफत भाई का कहना है कि एक ये फीमेल है और एक ये मेल है, ये एक ही नस्ल के हैं जो बकरी नस्ल के जी जी, तो ये भी गुलाबी नस्ल के ही हैं जो हैं। अब ये देख सकते हैं बच्चे भी जो हैं इस गोट फार्म में आए हुए हैं, क्योंकि इनको शौक़ होता है काफ़ी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, अभी जो कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी जो है इनको अंदर जो है बंद कर देंगे। ये देखिए व्यूअर, इंतहाई ज़्यादा जो है ये क्यूट है माशाल्लाह। अभी जो है इनको जो है अंदर बंद करेंगे, इसी तरह जो है दूसरा भी ये हमारे साथ है, ये रूठा हुआ है, आता नहीं है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह व्यूअर से जो है हम अपने कमर भाई से जो है पूछेंगे इसको जो है बकरी को इस कंडीशन में क्या मतलब खुराक वगैरह जो है देनी चाहिए, और कौन सी खुराक जो है ये देते हैं इसको। तो कमर भाई बताएं कि इस कंडीशन में जो है बकरी को क्या खुराक जो है देनी सही रहेगी, क्योंकि सर्दी भी बहुत है आपको पता है। जी प्यारे भाई, इसको जाना है कई वगैरह है और बाजरा है। अच्छा, जो बाल के इसको खिलाया ताकि जिस्म जो है गर्म हो, जान भी थोड़ी जो जान भी थोड़ी वापस आए, क्योंकि डिलीवरी हुई है ना, तो इस वजह से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी तरह व्यूअर से ये जैसे कमर भाई ने बताया, ये बॉईल करके जो है इनको बाजरा और उसके अलावा उसमें गुड़ मिक्स करके, गुड़ वगैरह मिक्स करके दिया जाता है, ताकि जो है बकरी को गंदम भी खिलाइए। अच्छा, गंदम भी खिलाई जाए के लिए ना, तवानाई बहाल करने के लिए गंदम भी इसको खिलाई गई है, ताकि जो है ये एक तो सर्दी बहुत है, सर्दी से बच सके, तो दूसरा ये है कि इसमें थोड़ी जान वगैरह उठा दे, क्योंकि अभी जो है इसने बच्चे दिए हैं, तो डिलीवरी वगैरह हुई है, तो उस वजह से जो है इनको जो है ये खुराक दी जाती है। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ इसको, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये खुराक जो है इस कंडीशन में मुफीद है, गुड़ और बाजरा जीरा
ज़ीरा भी जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स कैसा लगा आज का व्लॉग? ये था हमारा आज का व्लॉग जो कि गोट फार्म पे था। आज हमने आपको दिखाया बकरी ने जो है बच्चे दिए थे, ठीक है, वो दिखाया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे होने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।